सुंदर, अति सुंदर, चलो ओके। तो सबसे पहले सुंदर जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। किस लिए? पिक्चर अभी हिट नहीं हुई है, अभी होगी। मतलब क्योंकि ट्रेलर एंड गाने हमने देखा, जितने भी आए वो आपको बहुत ही पसंद आया। आपने भी देखा होगा मिलियंस ऑफ व्यू क्रॉस कर चुके हैं ट्रेलर। मिलियंस व्यूज तो आज तक लोग, आजकल लोग खरीद लेते हैं, उसका क्या है। बट एक्चुअली मैं लोगों का, हमने, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बेचारे बहुत गरीब पिक्चर है, हमारे पास कोई सुपरस्टार नहीं है। मतलब वो पंजाब में सुपरस्टार है, अभी पिक्चरें अभी करनी शुरू करी हैं हिंदी में, और मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ अभी। हम दोनों हाँ, तो फिर भी स्ट्रगलिंग एक्टर ही हुए अभी, मैं स्टार नहीं हूँ। तो हमारे पास पैसे नहीं थे यूट्यूब व्यूज खरीदने के, तो अभी है तो ऐसा तो बोल रहे हो। हाँ, तो वो अच्छा साइन होता है। सो जब पहली बार ट्रेलर देखा था मैंने, उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि ये मुझे लगेगा, क्योंकि अगर आप देखते हो, हाँ अपनी फिल्म है, थोड़ा सा एग्जैक्ट तुम्हें नहीं पता चल सकता कितना अच्छा, कितनी बड़ी हिट होगी, कितनी नहीं होगी, ये नहीं पता होता। बट अच्छी है कि बुरी है, ये सेंस आ जाती है। जब ये ट्रेलर देखा था पहली बार, तभी फील आ गई थी कि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका अच्छा होने वाला है। और गाने तो मैंने शूटिंग के दौरान सुने थे, तो मुझे पहले ही पता था कि अच्छे होने वाला है। मेरा फेवरेट था इश्क की बाजियां उस टाइम पे, तो मुझे पता था हिट होने वाला है। वो फीलिंग आ गई थी फिल्म करते हुए ही। तो थैंकफुली ऑडियंस ने अप्रूव किया, जो भी मतलब मेरे को इंट्यूशन हो रहा था, तो लग रहा था कि हाँ चलो, मतलब मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ, मतलब मुझे समझ में आ रहा है ऑडियंस की थोड़ी बहुत नर्व्स के इनको पसंद आएगा, तो मतलब आ रहा है वो चीज़ पसंद। बाकी 13 जुलाई को पता चलेगा जी। तो इस, ये वो रीजन था फिल्म चूज करने की, फिल्म जो है रियलिस्टिक पर है, या इसे बायोपिक कह सकते हैं संदीप जी की, तो ये वो रीजन था फिल्म, आपने ये फिल्म की क्योंकि क्या? आपको गाने? अभी तक हम हाँ, या फिर कह सकते क्योंकि आपको अभी तक हम डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में देखे, मार के गिरा देती है लोग, मार के गिरा देती हूँ। हाँ, इसमें हॉकी से मारूंगी मैं। तो ये वो रीजन था फिल्म चूज करने का, या फिर नहीं? फिल्म चूज करने के दो रीजन थे। पहला तो ये था कि नहीं पता इस कहानी के बारे में जो हुई, वो जो थोड़ी शर्मनाक बात है, जो मैं हर अपने इंटरव्यू में, ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी मैंने बात कही थी कि बहुत थोड़ी एम्बैरेसिंग बात थी कि नहीं पता इतने बड़े इंसिडेंट के बारे में, जो हमारे कैप्टन रह चुके हैं उनके बारे में। अगर ये आज की डेट में क्रिकेट के साथ हुआ होता तो शायद स्टोरी कुछ और ही होती, मतलब पूरा कंट्री हिल चुकी होती इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं, हमें पता ही नहीं था, और अपने आप को मैं एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट मानती हूँ, तो वो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग बात थी। एक रीज़न वो था, ताकि ये एक तरह सा, एक तरीके से अपना गिल्ट निकाल सकूं, तो एक तरीका बनना चाहती हूँ ऑडियंस देखे ये पिक्चर। और दूसरी इसलिए क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स का शौक है, तो जब मौका मिला खेलने का, मैंने कहा अब यार पता नहीं कब मेरे को कोई मिले कोई ऐसा रोल बायोपिक वाला, तो फ्यूचर में देखते हैं। बट अभी जो मिल रहा है स्पोर्ट्स, थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिल रहा है ऑन स्क्रीन, तो मन था स्पोर्ट्स वुमन प्ले करने का, तो कर लिया। तो हरप्रीत, प्रीत बुलाता है इसको संदीप का कैरेक्टर फिल्म में, एंड स्पोर्ट्स वूमन है, तो ऑब्वियसली एक गो गेटर तो होना ही है ऑन फील्ड। सेंटर फॉरवर्ड खेलती है अपने कंट्री के लिए, एंड वो ऑन फील्ड डिफरेंट पर्सनालिटी है, ऑफ फील्ड डिफरेंट पर्सनालिटी है। क्योंकि हमारे पास ना वन ऑन वन इंटरेक्शन करने की परमिशन नहीं थी इस लड़की से। हमने जो भी पता चला हमारे को इसके बारे में, संदीप के थ्रू पता चला, और थोड़ा बहुत हमने फिर उस पर बिल्डअप किया कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा हुआ होगा, इसका कैरेक्टर मतलब ऐसे होगी रियल लाइफ में। जितना हमने संदीप से गैदर कर पाया उस पर हमने वर्क किया, तो इतना पता था कि ऑन फील्ड तो गो गेटर थी उसको, मतलब सेंटर फॉरवर्ड खेलती थी, तो बहुत उसकी खेलना बहुत अग्रेसिव था उसका। बट जो वो ऑफ फील्ड जाती थी, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज और डिमीनर था बिल्कुल चेंज हो जाता था, क्योंकि थी वो शाहबाद की एक मतलब स्मॉल टाउन लड़की, तो वो एकदम वो कॉय शाय लिटिल कंपोज्ड उस टाइप की कैरेक्टर थी, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यूजुअली स्पोर्ट्स वूमन से, कि वो एक्सपेक्ट होता है कि भाई वो तो टॉम बॉयश ही होने वाला ऑफ फील्ड भी, मतलब उसका बिंदास एटीट्यूड जो होगा वो ऑफ फील्ड रहेगा, बट इसका ऐसा नहीं था। तो वो जो इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, कि चलो स्पोर्ट्स का शौक है तो मैंने उस शौक में हॉकी तो सीख ली, बट वो ऑफ फील्ड जो शाहबाद की लड़की जो है वो मेरे लिए आसान और रिलेट नहीं कर सकती थी मैं उससे, तो वो पार्ट मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो क्योंकि आपने बताया कि
दूसरा तो लिख ले काम कर सवाल बहुत ट्रिकी हो रहा है सवाल शायद ना देखो कोई भी डायरेक्टर अगर माहौल सेट का अगर अच्छा कर सकता है आधा काम हो जाता है वहाँ पे तो शायद इज सच अ फनी पर्सन और वो इतना उसकी उनकी वाइब इतनी फन और पॉजिटिव है कि सेट पे इतना चिल्ड आउट माहौल था कि नथिंग सीम्ड लाइक स्ट्रेसफुल कि भाई अच्छा अभी ये इंटेंस सीन हो रहे हैं क्योंकि पिक्चर में इतने इंटेंस सीन्स हैं हादसे हैं और वो मैचेस हैं जो स्ट्रेसफुल हैं पर वो इतने चिल्ड आउट और कूल से थे कि लग नहीं रहा था कि हम इतनी कोई डिफिकल्ट और इंटेंस चीज़ शूट कर रहे हैं तो दैट रियली हेल्प्ड एटलीस्ट आई एंजॉय सच एन एटमॉस्फेयर क्योंकि ऑन स्क्रीन तो आके मतलब इंटेंसिटी दिखानी ऑफ स्क्रीन भी इंटेंस रहोगा तो वो इट्स वेरी ड्रेनिंग लाइक मतलब बंदा इंसान बहुत थक जाता है फिर मेंटली सो दैट वे इज़ यू नो ही वॉज रियली गुड इन कीपिंग द मोमेंटम अप ऑफ स्क्रीन आई थिंक बिकॉज मैं इकलौती लड़की लगता है पिक्चर में नहीं ऑब्वियसली ही हैज़ टू से गुड थिंग्स अबाउट मी ना मैं पिक्चर की हीरोइन हूं तो अच्छा ही बोलेंगे मेरे बारे में बुरा थोड़ा ना बोलेंगे नहीं देखिए पिक्चर संदीप सिंह के लाइफ के बारे में है जो दिलजीत निभा रहे हैं बट हाँ ये पिक्चर हॉकी के बारे में नहीं है ये पिक्चर संदीप के बारे में है जो उसकी लाइफ में लोग थे उन्होंने कैसे उसको इफेक्ट किया और इन्फ्लुएंस किया उस बारे में है तो इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स फिल्म इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा सो द ड्रामा इज प्राइमरली जो कैरेक्टर्स संदीप की लाइफ में थे उन्होंने उसकी लाइफ में क्या ड्रामा क्रिएट किया जिसके अंदर ये लड़की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी चाहे वो उसका हॉकी पहली बार खेलने के लिए हो या जब वो हादसा हुआ उसके बाद क्या हुआ इस लड़की के साथ वो हो जो हमने अभी तक रिवील नहीं किया है कि वो जो छोड़ के गई तो क्यों छोड़ के गई कहाँ गई क्या हुआ उसके बाद मिले कि नहीं मिले दोबारा तो वो लिखा ना अबैंडन्ड बाय लव तो वो छोड़ कर चली जाती है तो बट क्यों जाती है कहाँ जाती है फिर मिलती है कि नहीं मिलती है वो पिक्चर देखो वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो हमने पिक्चर में नहीं अभी तक नहीं बताया कहीं वो देख के आपको पता चलेगा और एक शायद वो रीज़न है जब मुझे लगता है कि प्रीत जो कैरेक्टर है वो मेंटली इतनी स्ट्रांग थी मैं नहीं थी मैं नहीं हूँ मैं नहीं कर पाती जो उसने किया तू मेरे तोड़ने फोड़ने पे क्यों तुला है यार मैं पिक्चर में हीरोइन हूँ मेरे को पिक्चर मैं बहुत एकदम मतलब सॉफ्ट एंड कॉय एंड शाय हीरोइन हूँ पिक्चर में हम उस तुम ये तोड़ने फोड़ने की बात ना मुल्क के टाइम करना आके ठीक है तब करेंगे हाँ तो हम चेयर वेयर तोड़ेंगे टेबल तोड़ेंगे वहाँ पे ठीक है नहीं लिटरली नहीं मतलब वो बोली संदीप की मैं बात करूँ आपके किरदार की अगर मैं बात करूँ जब संदीप इंजर्ड हुए उन्हें बोलने लगी तो ये सब सारी चीजें हो रही थी और सारी दुनिया वाले बोल रहे थे कि अरे अब वो उठ नहीं पाएगा व्हील चेयर नहीं छोड़ पाएगा अब वो हॉकी नहीं इंडिया के लिए खेल पाएगा आप जब ये सारी चीजें देख रही थी तो क्या फीलिंग थी आपके दिमाग में एज एन कैरेक्टर उस लड़की की मैं बात करना चाहूँगा या वो ही तो मैं कह रही हूँ आपको देखना पड़ेगा जाके पिक्चर में ऑब्वियसली देर वॉज लव बिटवीन देम तो शॉक तो उसको भी लगेगा धक्का उसको भी लगेगा बुरा उसको भी लगेगा बट वो कैसे डील करेगी उसको वो चीज़ है देखने वाली जो पिक्चर में आपको दिखेगी कि क्या करती है वो इस चीज़ को लेके और क्यों करती है बट हाँ ऑब्वियसली अब शी इज़ इन लव विद अ गाय सो उसकी लाइफ भी हिलती है सिर्फ संदीप की नहीं हिलती उसके बाद उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं तो उतनी तो चेंज हो ही जाती है जितनी संदीप की चेंज होती है उसके बाद किसी की भी मिल जाए यार ये beggars are not choosers यार किसी की भी मिल जाए वो गाना देखा मैंने लालटेन हाँ वो ही देखा क्या वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने आपने और अंगद बेदी ने हाँ डांस किया आप लोगों ने डांस किया हाँ वो बहुत ही अच्छा तो हाँ वो रात में शूट किया एक रात में पूरी में शूट हो गया गणेश मास्टर आए थे सिंगल शॉट लंबे लंबे दे के उन्होंने गाना निपटा दिया एक ही रात के अंदर और ठंड थी इतनी ज़्यादा उस दिन मुझे याद है शाहबाद में शूट किया और बहुत ठंड थी इतनी ठंड तो मतलब मुझे बाहर यूके में जाके नहीं लग रही थी जितनी वहाँ लग रही थी रात को मुझे ठंड एकदम खेतों के बीच में था वो घर जो थे
एंड या सो वो गणेश मास्टर ने एक झटके में निपटा दिया वो, और वो बहुत सुंदर गाना आया वो, आई थिंक वो एनर्जी बढ़ा देता है फिल्म की. और एक सही ओकेजन पे आया है जब विक्रम की शादी हो जाती है उसके बड़े भाई की, तभी वो अंगद है उसकी रिसेप्शन होती है और इसका वेलकम होता है संदीप का एट द सेम टाइम, और मैं पहली बार फैमिली से मिलती हूँ उस गाने के अंदर. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, सो दैट्स लाइक द हाई पॉइंट ऑफ द फिल्म एक्चुअली. ओके चलिए, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है हाँ, बाकी तो तुम ढेरों सारी आना, मतलब आप बहुत सारी बातें करना बहुत तुम सारी मुझसे. बातें करेंगे क्योंकि आप ढेर सारी फिल्में कर रही है इस साल, हाँ आपके बहुत तो सारी बचा के फिल्में रखो आने वाली बातें. है, तो मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं आप? बस मैंने मूवीज भी आपकी पिछले, आ रही है, मनमर्जी आ रही है, और हाँ एक अमित जी के साथ में शायद आपने पिछले फिल्म आठ की नौ थी. महीने से सिर्फ मेरे को 20 दिन छुट्टी मिली है, इस तरीके से मैंने मैनेज किया है. बट कोई कंप्लेंट हो गया, मैं एंजॉय करूँ यार, इसी इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे थे, तो फिर अभी क्या करूँ, अभी रोऊंगी थोड़ा ना बैठ के, हाँ अब मैं बिजी हूँ, ऐसे थोड़ा होता है. चलिए तो 13 जुलाई को हाँ, थर्टीन देखते ऑफ हैं जुलाई आप प्लीज शादी को देखना कुछ. थिएटर में जाके, और पसंद करना और मुझे बताना. ठीक थैंक है, यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यू सो वेलकम. मच. उतार दूँ ये माइक? हाँ जी, ये उतार दीजिए माइक. और एक ना यू सर्टिफिकेट इतना पॉपुलर हो रहा है, लोग ए सर्टिफिकेट के बारे में. सही बात, बिल्कुल. ओके जी जनाब. सक्सेसफुल कॉन्ग्रेचुलेशन फिल्म शूट मार के लिए. लोगों को हमने देखा, लोगों को ट्रेलर है, जितने भी गाने आ रहे हैं वो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं. तुमको अच्छा लगा मुझे सर ट्रेलर बहुत ही औसम लगा, गाने? मैंने एक लालटेन सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा. अच्छा. तो आप बताइए कि जब भी कोई फिल्म आती है उसके आने से पहले जो ट्रेलर एंड गाने लोगों को पसंद आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यू भी हो चुके हैं, इसमें कुछ छुपा भी नहीं सकते, क्या टेक होता है आपका एज एन डायरेक्टर? ऑब्वियसली आप पॉजिटिव फील करते हो, आप इनकरेज फील करते हो, एम्पावर्ड फील करते हो, और लोगों के प्यार से बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है फिल्म को, या फिल्म मेकर को, या फिल्म से जितने जुड़े लोग हैं उनको. और एक जो हमने देखा जिनके साथ में आपने काम भी किया है, मिस्टर अमित जी, अमिताभ बच्चन, हम उन्हें कह सकते हैं, उनका भी ट्वीट आया इस फिल्म से रिलेटेड. नसीर जी ने ट्वीट किया, लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री के जो लेजेंड हम जिन्हें मानते हैं उनकी तरफ से जब इस तरह से आता है कि अरे ऑसम यार, बहुत ही अच्छा ट्वीट, क्या टेक होता है आपका? इसमें आपका टेक नहीं हो सकता है, क्या मतलब फील आप करते हैं आप? सिर्फ उनका आशीर्वाद मान के उसी को टेक कर सकते हैं, और कुछ नहीं है. ये बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं, इन्होंने 200 से ऊपर फिल्में की हैं, 30 30 40 40 50 50 साल से काम कर रहे हैं, तो ये आप सिर्फ आशीर्वाद मान के चल सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा आप वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि ये हाँ फिल्म है या हम इसे बायोपिक भी कह सकते हैं, तो जितना मेरा नॉलेज है एक बायोपिक पे ऐसा काफ़ी ये होता है कि अरे कहीं कुछ गलत ना दिख जाए, लोगों को एक गलत मैसेज ना आ जाए, ऐसी शुरुआत में चीज़ें ये होती प्रेशर हैं. रहता है कि आप के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, आप एक लिविंग लेजेंड के ऊपर कहानी बना रहे हैं जो कई घटनाओं और दुर्घटनाओं और कई ऐसे हालातों से गुजरा है जिसमें कई लोगों का योगदान रहा है उसको ठीक करने में, कई लोगों का दर्द, पसीना, खून जुड़ा हुआ है उससे. तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको जितनी सच्चाई और जितनी सफाई से दर्शाएं, वो आपकी जिम्मेदारी है. ये प्रेशर शुरू में था, लेकिन संदीप सिंह के खुद जुड़ जाने से प्रोजेक्ट में, स्क्रिप्ट लेवल से लेकर, हॉकी से लेकर, उनके परिवार से लेकर, कहानी से लेकर, सब किरदारों से लेकर जुड़ने से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली, और वो प्रेशर हमारे कंधों से हट गया कि भाई अब तो जो है वही हम दिखा रहे हैं. पिक्चर तो कंप्लीट हो चुकी होगी, अगर किसी ने देखी हो या संदीप जी ने खुद देखी हो, या आप अगर बता सकते हो क्या स्टेटस है, क्योंकि 30 जुलाई को आने वाली है. पिक्चर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, किसी ने और देखी है? बहुत लोगों ने अभी तक नहीं देखी. इनफैक्ट जो सबसे पहले जिन लोगों ने जो देखी है वो सेंसर बोर्ड ने देखी थी, क्योंकि वहाँ से तो वो कुछ प्रॉब्लम आई है. नहीं, बल्कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा की फिल्म की, क्योंकि हमारा ट्रेलर यूए सर्टिफिकेट था, तो उनको लगा शायद फिल्म भी यूए होगा, नॉर्मली वही होता है. तो उन्होंने इनफैक्ट अपनी तरफ से कहा कि हम चाहते हैं कि ये फिल्म यू सर्टिफिकेट की रहे, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत ज़रूरी फिल्म है बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि इसमें उनके स्पोर्ट्स की इनकरेजमेंट होगी, लाइफ से कैसे आदमी जूझना चाहिए उससे सीख मिलेगी. तो उन्होंने इनफैक्ट कहा कि आपको यू लेना चाहिए, हम यू देंगे आपको.
हॉकी पर अक्षय कुमार जी की गोल्ड पर भी फिल्म आ रही है, हॉकी पर और भी आगे ढेर सारे पिछले कुछ सालों में हमने देखा फिल्म आ गई है, आ चुकी है, शाहरुख खान जी ने छोड़ दिया हॉकी पर की, लेकिन अभी हाल ही में जो हमें पता चला कि हमें स्कूल से पढ़ाते पढ़ते हम आ रहे हैं कि हॉकी जो है हमारे इंडिया का नेशनल गेम है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ, एक्चुअली कुछ हमारे इंडिया का कोई नेशनल गेम ही नहीं है। तो जब आपको पता चला हाँ, मैं भी काफ़ी सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था कि इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है, और मैं तो यही बचपन से सीखता हूँ कि हॉकी ही है, और मुझे लगता है कि शायद हॉकी पे अब ये इतनी फिल्में आ रही हैं, शायद अब हॉकी बन जाए राष्ट्रीय खेल, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पे फिल्में बनी हैं। बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। और म्यूजिक की मैं अगर बात करूँ सर, तो आपकी म्यूजिक आपके गानों में हमेशा या म्यूजिक में हमेशा गुलजार साहब होते, कोई खास वजह पसंद भी आते हैं शायद ये रीज़न भी होगा, लेकिन आप नहीं होने चाहिए गुलजार साहब, बहुत ही सर पसंद आते हैं क्योंकि देखिए सारे गाने पसंद आ रहे हैं तो इसीलिए हैं, और प्लस मुझे वो इंसान भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हमेशा पहले इंसान के साथ काम करता हूँ, बाद में टेक्नीशियन के साथ काम करता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी और अहम है, और हाँ मेरा और उनका रिश्ता बहुत सालों से, जब से मैं असिस्टेंट था तब से है, तो बिल्कुल मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ, और हमारी अब एक काइंड ऑफ एक दोस्ती भी है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो वो सीनियर जूनियर का जो एक रिश्ता रहता है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आपको काम की बात करनी है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है उसकी बात करनी है, हमेशा हाँ नहीं करना है, आप थोड़ी सी लड़ाइयाँ भी हो जाती है, नोक झोंक भी होती है, तो वो रिश्ता फिर एक भरपूर रिश्ता हो जाता है। तो म्यूजिक में लेके कुछ ऐसी बातें होती हैं कि सर इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का प्रेजेंट किया जाना चाहिए लोगों को, बिल्कुल आप सहमत हो जाते हैं उनकी सारी बातों से? नहीं ना, वो मेरी बातों से सहमत होते हैं, तो ये तो पहली फिल्म से ही चलता आ रहा है सिलसिला और चलता रहेगा, क्योंकि वो एक तरीका हमारा काम करने का। तापसी जी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमने अब तक उनको एक डिफरेंट अंदाज में देखा है, और अब आप उन्हें एक डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं, अब तक हमने देखा वो फाइट करती हैं, कई सारे लोगों को एक साथ में मार के गिरा देती हैं। अरे अरे अरे, अब जो है यहाँ पर एक लवर अंदाज में या गर्लफ्रेंड कह सकते हैं आप, इस अंदाज में आपने उन्हें प्रेजेंट किया है। एक्चुअली मैं तापसी के किरदार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक कड़ी है फिल्म की, और उसको मैं किसी भी रिश्ते का नाम देके या किसी भी तरह की रिलेशनशिप का नाम देके मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या है वो, क्योंकि मैंने कभी किसी फिल्म में ऐसा किरदार नहीं देखा है, तो रियल लाइफ से ही निकल के आ सकता था ऐसा किरदार, तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी या कमेंट नहीं कर पाऊँगा। हाँ मैं ये कहूँगा कि वो फिल्म की एक आत्मा है, और वो आत्मा का प्योर होना और आत्मा का बहुत साफ और शफाफ पाक होना बहुत ज़रूरी था, जो तापसी के अंदर एक कहीं एक उसके चेहरे पे एक ट्रांसपेरेंसी है, एक सच्चाई नज़र आती है, जब वो कुछ कहती है तो लगता है कि वही सच है, तो वो होना बहुत ज़रूरी था फिल्म में, और वो आपको देखने को भी मिलेगा फिल्म में। चलिए सर, चलते चलते 13th जुलाई को फिल्म आ रही है, तो अपने चाहने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप इस फिल्म को लेकर, सूरमा को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने चाहने वाले हैं, इस फिल्म से जुड़े लोगों के जितने चाहने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म में काफ़ी अच्छे कलाकार, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय, गुलजार साहब जुड़े हुए हैं, उन सबके मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं कि वो जाएं और देखें, और मेनली अगर आप हिंदुस्तान की मिट्टी को चाहने वाले हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, अपनी फैमिली वैल्यू सिस्टम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, रिश्तों के बारे में, और एक ऐसे आदमी के बारे में जो मौत को मात दे के आया है।